आजादी के महज 16 दिन बाद जम्मू कश्मीर में देश सेवा के लिए शहीद हुए भारतीय सेना के जवान सौरभ कटारा की पार्थिव देह को जब उनकी नवनिवाहित वीरांगना ने कंधा दिया तो पूरा गांव रो पड़ा। वहां मौजूद प्रत्येक शख्स की आंखें नम हुए बिना नहीं रह सकी। गत मंगलवार की रात जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में शहीद हुए भरतपुर के रूपवास पंचायत समिति के बरोली ब्राह्मण गांव निवासी सौरभ कटारा की गुरुवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में अंत्येष्टि कर गई। सौरभ सेना की 28 RL रेजिमेंट में थे। सौरभ 3 साल पहले ही सेना में चालक के पद पर भर्ती हुए थे। बरोली ब्राह्मण गांव के लिए गुरुवार का दिन कभी ना भूल सकने वाला दिन बन गया। 3 दिन पहले मंगलवार को गांव के जवान लाडले की शहादत का समाचार सुनकर ग्रामीणों के एक बारगी अपने आप को किसी तरह से संभाल लिया। फर्क इस बात का था कि लाडले ने देश के लिए प्राण न्योछावर कर गांव का नाम रोशन कर दिया, लेकिन जब नई नवेली दुल्हन पूनम ने अपने शहीद पति की पार्थिव देह को कंधा दिया तो ग्रामीणों का कलेजा फट पड़ा। सौरभ कटारा कुपवाड़ा में मंगलवार रात को सैन्य वाहन ले जाते समय ग्रेनेड हमले में शहीद हो गए थे। उनके पार्थिव देह को शुक्रवार को उनके पैतृक गांव लाया गया। वहां पूरे सैन्य समाज के साथ सौरभ कटारा को अंतिम विदाई दी गई। शहीद कटारा मुखाग्नि उनके छोटे भाई अनूप कटारा ने दी। गमगीन माहौल में तिरंगे में लिपटे शहीद के पार्थिव देह पर पर्यटन एवं देवस्थान मंत्री विश्वेंद्र सिंह, जिला कलेक्टर नथमल डिडेट, पुलिस अधीक्षक हैदर अली जैद, भरतपुर मिलिट्री स्टेशन के कमांडर कर्नल अनुष्मान श्रीवास्तव, बैटरी कमांडर मेजर राहुल जे, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सेवानिवृत्त कर्नल KVPS ठेनुआ समेत हजारों लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पार्थिव देह के साथ आए स्टेशन कमांडर कर्नल अंशुमान श्रीवास्तव ने शहीद के पिता को तिरंगा ध्वज प्रदान किया तो लोगों की आंखें फिर से भीग गई। भारतीय सेना के जवानों ने हवाई फायर कर जवान का अंतिम सलामी दी। आगंतुकों ने शहीद के परिजनों को ढांढस बंधाया। शहीद वीरांगना पूनम, शहीद के पिता हवलदार नरेश कटारा, चाचा रिंकू शर्मा ने सौरभ की शहादत पर गर्व जताया। सौरभ कटारा 16 नवम्बर को ही 1 महीने की छुट्टी पर घर आए थे। 13 नवंबर को अपनी बहन की शादी कराने के बाद खुद दूल्हा बने। सौरभ की इसी महीने 8 दिसंबर को शादी हुई थी। शादी के बाद वह छुट्टियां खत्म होने पर पिछले सप्ताह से ही सेना में अपनी ड्यूटी पर लौटे थे। मंगलवार रात को सौरभ के शहीद होने की सूचना के बाद से पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया था। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।